अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फॉर पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 पार्ट नंबर फर्स्ट। माय नेम इज सैयद मुस्तफ़ा कमाल, आई एम मैथमेटिक्स टीचर। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। नाउ ओपन योर बुक मैथमेटिक्स ग्रेड 9 पेज नंबर 164 एक्सरसाइज 6.2 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बेटे इस एक्सरसाइज में हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। इस फ्रैक्शन फॉर्म को हम एडिशन अब इसमें एडिशन कैसे करेंगे, सप्रेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे फ्रैक्शन। इससे पहले आप लोगों ने लोअर क्लासेस में विदाउट अलजेब्रिक आम रियल नंबर में हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन हमारे पास गेवन था वो हम किया करते थे। अब हम अलजेब्रिक फॉर्म में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन हो तो हम उसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है बेटे आप लोगों की स्क्रीन के सामने एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें फर्स्ट नंबर पार्ट x डिवाइडेड बाई x प्लस y प्लस 2y डिवाइडेड बाई x प्लस y। अब देखिए बेटे मेरे पास डिनोमिनेटर में जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो मैंने देखिए बेटे मेरे पास डिनोमिनेटर में दोनों क्या है डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या होगा x प्लस y होगा। टू मच ईजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे देखिए बेटे। सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन लेके दोबारा एक्स प्लस वाई प्लस 2y x प्लस वाई, ठीक है बेटे। अब इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम मेरे पास होगा बेटे वो क्या होगा x प्लस वाई, क्योंकि दोनों सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम है, जब सेम है तो हमारे पास एलसीएम वही होगा। तो इनका एलसीएम मैं निकालूंगा देखिए बेटे एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर और ये एलसीएम एक जैसे हैं, सेम टू सेम है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिर्फ एक्स आ जाएगा, ये यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है, तो यहाँ से मेरे पास 2y आ जाएगा। ये आगे मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो, जब नहीं हो तो मैं इसका मतलब है ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटे ये मेरे पास आंसर है। क्लियर, पहला क्वेश्चन तो टू मच ईजी था। अब दूसरा इसमें एक और पार्ट करते हैं ताकि आप लोग क्लियरली समझ जाएँ, ठीक है बेटे। पार्ट नंबर 3 को देखें बेटे, ये है बेटे आप लोगों की स्क्रीन के सामने पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 का। 3 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 2 माइनस 2 डिवाइड बाई वाई प्लस 2 माइनस वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वेयर माइनस 4। अब इसको कैसे करेंगे, इनके भी एलसीएम लेके और आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन पहले आप लोगों ने डिनोमिनेटर के जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने उसका फैक्टर्स निकालें ताकि वो मज़ीद आगे सिंप्लीफाई ना हो सके। जब ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे तो हम इसका फिर क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे देखें बेटे। सोल्यूशन क्वेश्चन मैं अगेन लिख रहा हूँ, 3 डिवाइड बाय वाई माइनस 2 माइनस 2 डिवाइड बाय वाई प्लस 2 माइनस वाई डिवाइड बाय वाई स्क्वेयर माइनस 4। देखिए ये आगे मज़ीद नहीं हो रहा फैक्टर, ये फैक्टर भी मज़ीद नहीं हो रहा, ये फैक्टर मज़ीद आगे ओपन हो रहे, कैसे ओपन हो रहे देखें बेटे। 3 डिवाइड बाय वाई माइनस 2 माइनस 2 डिवाइड बाय वाई प्लस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटे माइनस वाई डिवाइड बाय y होल स्क्वायर और माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब मेरे पास यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, क्या फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है बेटे। अब इसको मैं लिख देता हूँ, मैं देखें 3 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 2 माइनस वाई डिवाइडेड, अब देखें एक दफ़ा प्लस लिखें और एक दफ़ा माइनस लिखें, ये फैक्टर देखें बेटे आगे मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो रहा, ठीक है। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम क्या होगा देखें बेटे, एलसीएम की हमारे पास क्या फार्मूला है 6.1 में हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर लिया था। तो हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर कौन से, पहले दें वाई माइनस 2 वाई माइनस 2 ये कॉमन हो गया कि नहीं, और दूसरा देखिए y प्लस 2 ये भी कॉमन है, तो इसमें नॉन कॉमन कोई नहीं है, ठीक है बेटे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आएगा। अब इसको आगे मज़ीद कैसे सॉल्व करते हैं देखिए बेटे मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, ये मेरे पास एलसीएम है y प्लस 2 वाई माइनस 2 ये मेरे पास एलसीएम है, ठीक है बेटे। अब जो क्वेश्चन में हमारे पास था
वो आप लोगों ने देख लिया था, ठीक है। नो स्टार में मेरे पास क्या है बेटे, नो वाई प्लस टू और वाई माइनस टू। तो यहाँ पे देखिए बेटे ये वाला देखिए पार्ट, नो जब एलसीएम स्टार में क्या है वाई माइनस टू है, तो वाई माइनस टू मैं नहीं लिखूंगा, देखिए वाई माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो वाई प्लस टू है जो वाई प्लस टू इस थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटे। कैसे मल्टीप्लाई होगा देखें, देखें थ्री मल्टीप्लाई बाय वहाँ क्या आता है y माइनस टू, वाई माइनस टू कैंसिल हो जाएगा तो y प्लस टू आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता मेरे पास माइनस टू था, तो माइनस टू के नीचे के हमारे पास डिनोमिनेटर क्या था y प्लस टू था, तो y प्लस टू कैंसिल हो जाएगा y माइनस टू आ जाएगा, तो यहाँ इसके साथ y माइनस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लास्ट जो टर्म था तो उसमें मेरे पास क्या था दोनों वैल्यू थे, y प्लस टू भी था y माइनस टू, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ओनली y आ जाएगा, ठीक है बेटे क्लियर। अब इसको आगे मजीद कैसे सॉल्व करते हैं देखिए बेटे, थ्री मल्टीप्लाई बाय वाई नो थ्री वाई प्लस सिक्स आ जाएगा, ये टू वाई और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू टू ज़ा फोर हो जाएगा और ये माइनस वाई और नीचे से वाई प्लस टू और वाई माइनस टू आ जाएगा, ठीक है बेटे। यहाँ देखें अब लाइक टर्म एक साइड पे कर लें, ठीक है, और प्लस सिक्स और प्लस फोर और नीचे से क्या आ जाएगा अगेन फार्मूला बन रहे y होल स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें थ्री वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री वाई और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस टेन नो होल डिवाइडेड बाई ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस फोर, ये दोनों क्या हो रहे हैं प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे देखें, तो यहाँ से आ जाएगा ओनली टेन डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस फोर, ये मेरे पास आंसर है, ये आगे मजीद सिम्प्लीफाई नहीं हो रहा, ठीक है बेटे। इस एक्सरसाइज में एक और पार्ट करते हैं जो मेरे पास डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फैक्टर हो जिसको हम सम इन प्रोडक्ट लें, इस तरह हम एक पार्ट करवा लेते हैं जो पार्ट नंबर सेवन है। देखें बेटे अभी पार्ट नंबर सेवन, ये आप लोगों के साथ एक थर्ड पार्ट में करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट क्वेश्चन नंबर वन का और पार्ट नंबर सेवन एट में आप लोगों को करवा रहा हूँ। देखिए बेटे इसको कैसे करें, अब देखिए इनका दो फैक्टर नहीं है, तीन टर्म का आ रहा है, अब इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे देखिए बेटे, अब इनका अलग अलग फैक्टर निकालेंगे देन फिर हम इसका एलसीएम लेंगे देन फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए बेटे। अगेन मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ए स्क्वेयर प्लस सेवन ए और प्लस टेन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस टेन ए और प्लस सिक्सटीन। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर में तीन टर्म आ रहे थे, इसका मतलब सम इन प्रोडक्ट इनका होगा, तो हम इनका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे देखिए बेटे, आप लोगों के सामने मैं करवा रहा हूँ तो आप लोग भी देखें। ये देखिए इनका फैक्टराइजेशन मैं करता हूँ बेटे, पहले क्या है मेरे पास ए स्क्वेयर प्लस सेवन ए प्लस टेन था, अब फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है मेरे पास टेन ए स्क्वेयर, ये प्रोडक्ट हो जाएगा और ये सम और सेंटर में क्या है सेवन ए, इसका मतलब है कि हम मिड वैल्यू का ब्रेकअप करेंगे, ठीक है बेटे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बेटे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है मेरे पास, ठीक है बेटे। अब ऐसे दो नंबर लें कि उसको हम मल्टीप्लाई करें तो टेन ए स्क्वायर बन जाए, उसी दो सेम नंबर को ऐड भी करें तो सेवन ए बन जाए, तो मेरे पास वो कौन से नंबर आ रहे टू नो टू ए और फाइव ए, टू फाइव आर टेन नो टू ए और फाइव ए, तो दोनों को ऐड करें तो मेरे पास क्या आते हैं सेवन आते हैं, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब कि मिड वैल्यू को हमने ब्रेकअप करना है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस टू ए और प्लस फाइव ए प्लस टेन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये मेरे पास ए कॉमन आ जाएगा, तो ये देखें ये यहाँ से ये ए प्लस टू आ जाएगा और यहाँ से फिर फाइव कॉमन ले लूँगा, फाइव में क्यों कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि फाइव के टेबल में टेन भी आते हैं, नो फाइव कॉमन और यहाँ से टू आ जाएगा, तो यहाँ देखिए ये दोनों कॉमन आ जाएगा नो ए प्लस टू आ जाएगा और यहाँ से ए प्लस फाइव आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक फैक्टर बन गया, ठीक है बेटे। ये देखिए ये हमारे पास क्या बन गया एक फैक्टर बन गया। अब इसको हमने क्या करना है डिनोमिनेटर में लिखना है, तो हमने इसको हटा के इस पूरे जो आप लोगों के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है इसको हटा के उसकी जगह हमने ये फैक्टर लिखना है, ठीक है बेटे। ये आप लोगों के सामने मैंने दूसरे टर्म का भी एक एक्सप्रेशन लिख दिया, उसका भी हमने फैक्टराइजेशन करने, कैसे करने हैं फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर क्या आ रहा है प्लस सिक्सटीन ए स्क्वायर आ रहा है और सेकंड का वैल्यू क्या है मिड वैल्यू टेन ए आ रहा है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो सिक्सटीन ए स्क्वायर बन जाए, उसी नंबर को एड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास टेन बन जाए, तो वो कौन से है टू एट आर सिक्सटीन एंड टू प्लस एट टेन आते हैं, देखें प्लस
टू ए और प्लस एट ए, 16 बन गया, स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, प्लस टू ए और प्लस एट ए, तो यहाँ से एट करें तो 10 आता है। तो इसका मतलब मिड वैल्यू का हमने ब्रेकअप करना है, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस एट ए और प्लस 16 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए ए प्लस टू आ जाएगा, और यहाँ से 8 कॉमन ले, 8 में क्यों कॉमन ले रहा हूँ, जो यहाँ पे कॉमन हो वो यहाँ पे भी होनी चाहिए। 8 में इसलिए कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि 8 के टेबल में 16 आ रहा है, किस पे आ रहा है, 2 पे, ठीक है बेटे। यहाँ से ये दोनों कॉमन आ जाएगा, ए प्लस टू आ जाएगा और यहाँ से ए प्लस एट आ जाएगा। तो मेरे पास दूसरा डिनोमिनेटर जो हमने सॉल्व किया उसके फैक्टर ये बने, ठीक है। अब मैं इनको हटा के उनकी जगह मैं ये इनके आंसर लिखूंगा, इनके ये फैक्टर्स में लिखूंगा, ठीक है बेटे। देखें बेटे आप अभी एग्जांपल रफ पेज पे मैंने आप लोगों को सॉल्व कर दिया, इसका भी मुकम्मल फैक्टराइजेशन निकाल के और दूसरे का इसका भी कैसे लिखेंगे देखें बेटे। ए प्लस टू और ए प्लस फाइव, ये इसका फैक्टर आ गया, ठीक है बेटे। सेकेंड डिनोमिनेटर का देखें, इसका भी हमने फैक्टराइजेशन लिया, तो इसका क्या आया था, ए प्लस टू और ए प्लस एट आ गया था, ठीक है बेटे। ये मैंने रफ पेज पे सॉल्व किया तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है बेटे। अब इनका एलसीएम में लूँगा तो इनका एलसीएम क्या आएगा बेटे, देखें एलसीएम, तो इनका एलसीएम ये आएगा ए प्लस टू, ये देखें ये कॉमन हो जाएगा और ये बाकी दो जो नहीं है वो इसके साथ नॉन कॉमन फॉर्म में आ जाएंगे, ये दो मेरे पास नॉन कॉमन फॉर्म में, देखें ए प्लस ए, ठीक है बेटे। अब इनका मुकम्मल एलसीएम क्या होगा देखें, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस टू और ए प्लस फाइव और ए प्लस एट आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब जब इसका हम कॉमन अब इसको कंपेयर करेंगे, इसका डिनोमिनेटर में क्या है, ए प्लस टू ए प्लस फाइव है, यहाँ से ए प्लस टू ए प्लस फाइव कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, ए प्लस एट, ए प्लस एट यहाँ पर लिखें, नो वन मल्टीप्लाई बाई ए प्लस एट आ जाएगा और प्लस लगा के यहाँ पे देखें क्या है डिनोमिनेटर में, ए प्लस टू ए प्लस एट है, ए प्लस टू और ए प्लस एट ये दोनों कैंसिल हो जाए तो क्या रह जाएगा मेरे पास, ए प्लस फाइव, नो वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस फाइव आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब इनको आगे मज़ीद सॉल्व करें, डिनोमिनेटर सेम टू सेम आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ से देखिए वन मल्टीप्लाई बाय दिस तो सेम नंबर आएगा ए प्लस एट, यहाँ पर भी वन है, वन मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर तो सेम नंबर आएगा, ठीक है बेटे। अब लाइक टर्म टर्म को एक साइड पे करें, ए प्लस ए आ जाएगा और एट प्लस फाइव आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ से देखें ए प्लस टू आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस फाइव और यहाँ से ए प्लस एट, तो ये देखिए ए ए, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा टू ए आ जाएगा और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एट प्लस फाइव कर लें तो मेरे पास आते हैं 13 होल डिवाइडेड बाय ए प्लस टू ए प्लस फाइव ए प्लस एट, ये मेरे पास एज ए होल आंसर है, आगे मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्लियर हो गई बात बेटे, दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। बाकी जितने पार्ट्स आएंगे बेटे वो आप लोगों ने होमवर्क में करने और नीट कॉपी में नीट एंड क्लीन आप लोगों ने करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।